राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर पहुंचे प्रसिद्ध समाजसेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। इनके साथ थे इसी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद भी। इन्होंने कई कार्य किए हैं सामाजिक क्षेत्र में। ये राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर का भ्रमण कर रहे थे एवं जानकारी ले रहे थे। आपको थोड़ा बता दें कि इस परिसर में करीब 1.5 से 2 दर्जन परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं। उन्हें बराबर यह कहा जा रहा है कि आप परिसर को खाली कर दें, यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय का कई भवन निर्माण कार्य होना है। इसी बात को लेकर लगातार इस परिसर में चिकित्सालय परिसर के कर्मी, प्राचार्य एवं अन्य लोगों के साथ जो यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है। कई बार हंगामा भी हुआ। इसी क्रम में आज भी हंगामा हुआ। उस परिसर में रह रहे एक महिला भी घायल हो गई। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने बताया कि हमारे साथ सुरक्षा कर्मी था, उन्होंने हमको इस परिसर से सुरक्षित यहाँ से निकाला। वहीं क्या घटना हुई, क्या समस्या यहाँ आज हुई, अधिक जानकारी देते हुए परिसर में रह रही महिला जो घायल हो गई उन्होंने बताया, कुछ लोगों ने बताया, वहीं अधिक जानकारी देते हुए विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दी पूरी जानकारी। देखिए पूरी घटनाक्रम। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हम लोग को सुनने लायक नहीं मिला, उस हम लोग उठे हैं और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। अच्छा, क्या दरभंगा महाराज के लोगों ने जब आप लोग को दिया था तो किसी तरह कोई पर्ची उर्ची है? हमारे पास पुख्ता पर्ची है। हमारे पास पूर्वज का पर्ची, आज का पर्ची नहीं, हम लोग आज से नहीं है। हमारे परदादा, दादा, हमारे पापा और उसके बाद हम लोग है, चौथा पुरुष हम लोग चल रहे। ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो बीच में, ये कभी यहाँ था ही नहीं? यहाँ था ही नहीं, वो LIC का भवन था। अच्छा, तो ये आयुर्वेद कॉलेज कितने साल से LIC का भवन पेमेंट नहीं, LIC का भवन पेमेंट नहीं दे दिया तो LIC के भवन वो कब्जा किया, मतलब महाराज दरभंगा वापसी लिया। अच्छा। ये सर्वे ऑफिस है, ये दरभंगा को मिलता है यहाँ से पैसा। हाँ, यहाँ से मिलता है। हाँ। अरे यहाँ पे बगल में अगली शाम सेवा है, वो देता है आयुर्वेदिक को, यहाँ इसमें पैसा। अच्छा, ठीक है, ट्रस्ट को। अच्छा, मेमोरियल ट्रस्ट को देता जी। अच्छा, तो ये राज अस्पताल आयुर्वेद वाला कब यहाँ खुला? यहाँ कभी खुला ही नहीं, तो कुछ वर्षों से यहाँ जो चल रहा है। नहीं, ये अनलीगल है, ये बलजोरी करके आके कुछ दबंगों ने उगले आके ये कब्जा किए। किस तरह के दबंग है यहाँ के? यहाँ के बहुत भूमाफिया दबंग है। अच्छा, और हर 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 समस्या के दबंग है यहाँ कुछ लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू झा हुआ जी। क्या हुआ है आपके साथ? आयुर्वेद कॉलेज वाला सुबह में बुलडोजर लेकर के आया था, बुलडोजर चलाने के लिए। कहाँ से? वो नाला के पास जाके खुद से देख लीजिए। जब उसको विरोध किया गया तो वो बुलडोजर लेकर के भाग गया। और अभी पता नहीं गुड्डू बाबा कौन है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अभी गुड्डू बाबा अपने अंगरक्षक लोगों के साथ आकर के मोहल्ला में जाके घर घर जाके फोटो खींच रहे थे और मोहल्ला में मुआयना कर रहे थे। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग सारा आदमी निकले और निकले तो आयुर्वेद का डॉक्टर लोग हम लोगों को गाली दिया है, अभद्र गाली दिया है। महिला होकर आपको गाली जी दिया। अभद्र डॉक्टर लोग हम लोगों को बहुत अभद्र जूता से मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा गाली दिया है। आपका कोई बाहर में दुकान है क्या? नहीं, मेरा घर है, इस कैंपस में मेरा घर है। अच्छा, किस तरफ? पीछे की तरफ क्या? अंदर में है। अंदर में जी। अच्छा, तो अभी सभी का वो फोटो खींच रहा था? सभी का फोटो खींचा है। इससे पहले कभी उस शख्स को देखे थे आपने? हाँ, इससे पहले भी वो आया हुआ है। अच्छा, और उसका जब यहाँ आयुर्वेद का यहाँ कुछ नहीं है तो क्यों बार बार हम लोगों को यहाँ परेशान कर रहा है? हम लोगों का यही मांग है। अभी ये जो बुलडोजर आया था, ये बुलडोजर क्या पुलिस प्रशासन भी साथ में थी या नहीं? वो खुद जब उससे पूछा गया बुलडोजर वाले से जो आप क्यों आया है, तो बोला नगर निगम बोला है नाला साफ कराने के लिए, हमको प्रिंसिपल पैसा देके यहाँ भेजा है। नाला सफाई करने निकला था क्या? लेकिन वो लेकिन नाला सफाई के नाम पर वो रोड तोड़ रहा था जिसका हम लोग विरोध किए, तो बुलडोजर लेकर के भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा सोमा चौधरी। कितने देर पहले की ये घटना है, किस समय की अंदाजा? घटना तो अभी फिलहाल आयुर्वेद कॉलेज के बाहर में अभी हुआ है। अच्छा। जब वो गुड्डू बाबा 10-15 मिनट पहले जब आया है, हम यहाँ फोटो जब खींचने के लिए गए हैं तो सारा मोहल्ला वाला उसका विरोध किया है। हम लोगों को तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है और हम पे हमला किया गया है जिसका साक्ष ये है। बोलो। हम पे आयुर्वेद कॉलेज का प्रिंसिपल हमला करवाया है जिसका साक्ष ये है।
गुड्डू बाबा कह के लोगों ने संबोधन किया और मॉब बिल्कुल गाली गलौज कर रहे थे लोग। बहुत खराब स्थिति थी हमारे, क्योंकि बिहार सरकार ने को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कार्यों को करने के कारण मेरे जान पर खतरा को देखते हुए अस्थायी तौर पर अंगरक्षक मुहैया कराया है जी। हमारे अंगरक्षक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन हो जाता जीवन का। अंगरक्षक लोगों ने मुझे सुरक्षित अंदर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में ले गए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहीं हमारे प्रचार्ज महोदय के साथ कुछ ना हो जाए, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं जी। मैं सूबे के DGP साहब से, गृह सचिव अमित सुभानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, मैं लिखित रूप से भी जो आज घटनाएं घटी हैं मैं इसका सूचना देने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो वहां विकास हुआ है उसके लिए सरकार को, मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं, मंत्री जी को देता हूं। लेकिन एक जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, सुरक्षा की भावना हमारे चिकित्सकों के बीच में नहीं होगी जी, तो ये कैसे काम करेंगे। मैं बहुत चिंतित हूँ हमारे प्रचार महोदय को लेकर के, वहाँ के चिकित्सकों को लेकर के, कि ये कैसे काम करेंगे, किसी भी दिन अप्रिय घटना घट सकती है जी जी। तो मैं पटना जाते ही अपना जो करता हूँ सिस्टम से करूँगा। और ये तो साफ दिख रहा है कि जो जिनके पास पेपर होगा सही लोग होंगे, वो मरने पारने पर उतारू नहीं होंगे। मैंने बहुत जगह विजिट किया है लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। और हम अपने अंग्रेजों को भी आज आभार व्यक्त करते हैं कि ये दोनों नहीं होते तो आज मेरे साथ निश्चित तौर पर कुछ बहुत बुरा घटना घट गया होता। और हमारी संजू रोमा जी भी साथ में हैं, सभी लोगों ने बचा करके हमको प्रचार के रूम में ले गए, प्रचार साहब भी वहाँ गए, पंकज जी ने भी बड़ा रोल किया जी। और अनफॉर्चुनेट है कि जब जिलाधिकारी महोदय को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि SP को फ़ोन नहीं किए, थाना को फ़ोन नहीं किए। जिलाधिकारी महोदय आप धन्य हैं, पटना हाई कोर्ट का आदेश है, वी हैव इंडिकेटेड टू लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट पिटिशनर एज ए व्हिसल ब्लोअर शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एटलीस्ट थ्रू द पुलिस स्टेशन। घटनाएं आज घटी गई होती तो DM साहब आप कुछ नहीं कर पाते और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुझे पास एक दर्द है कि आपने डायरेक्ट फ़ोन नहीं करके आपने SP और दरोगा को फ़ोन, थाना को फ़ोन करने के लिए कहा। चलिए जब तक इस बार है तब तक तो बचे रहेंगे, आपका रोल अच्छा नहीं था।